हाथ पे कुछ कारंदारी कराने वाला, पता नहीं तो यहां से कभी यहां मेरा जिंदगी में नाम नहीं लिखवा सकता इंसान, नाम नहीं क्योंकि इसको मुझसे स्टार बनवा, क्योंकि इसको आने का जोश था, बंदे को दर्द हो रहा है, हल्का सा हो रहा है थोड़ा बहुत, और ये जहाँ पे बनवा रहा हूँ थोड़े सेंसिटिव स्किन है ना, इस वजह से हो रहा है। झूठ, अरे यहाँ भैया से पूछ ले, रो रहा है कब से टैटू बनवाने। तो भाई इसके फेवरेट मोमोज आफ्टर गोवा, कितना टाइम बाद खा रही है? So, hey guys, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे हमारी तरह। और मैं हो चुकी रेडी, आज सोच रहा था कि जल्दी रेडी कैसे हो गए, अभी बज रहे एक, मैं रेडी वेडी हो चुकी हूँ, मुझे जाना है अभी आकाश के घर। वहाँ से कुछ हमने प्लान वगैरह किया था, बट अभी देखो क्या होता है, हमें कहीं जाना था, हम जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे वो तो आगे चल के देखने को मिलेगा। बट अभी मैं होगी रेडी, मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह सब कर लिया, बस अब मैं थोड़ी देर में निकलूँगी, फिर उसके बाद जाऊँगी, फिर आप लोगों को दिखाऊँगी। बट आज कुछ कराने वाले थे, पता नहीं वो हो पाएगा या नहीं, तो वो तो आगे चल के पता चलेगा, चलते हैं दिखाते हैं। गाइस मैं आ चुकी हूँ मेट्रो स्टेशन, मैं जा रही हूँ यहाँ से, इतनी गर्मी है ना, इतनी गर्मी मैं सब बर्दाश्त से बाहर हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी है, चलती हूँ फिर वापस। गाइस हम गर्मी में ऐसे ही बहुत बुरा लगता है कि मेट्रो का वेट करो पूरा 5 मिनट यार, देख रहे हो कोई भी नहीं है, मुझे इतनी गंदी प्यास लग रही है ना, बस मैं जल्दी जल्दी पहुँच जाऊँगा यार, ये तो हम जोर से तो हट जाऊँगी, जाती वहीं जाकर दिखाऊँगी यार, बहुत ज़्यादा गर्मी, मेट्रो भी आ गई मेरी। अब इंसान आ चुका है चावल की बोरी लेके, घर में था ही नहीं, देख रहे हो कितना काम, गोवा से आने के बाद ये हालात है घर पे। अरे घर में चावल ही नहीं था यार काफी टाइम से, और सब्जी उब्जी भी नहीं थी। बंदा कहता सुबह 8 बजे उठ के रेडी वेडी हो जाऊंगा। अरे कुछ नहीं हुआ यार, दिमाग खराब हो रहा है, एक तो इसकी तबीयत खराब हो गई, उल्टी कर दी इसने। कब? सुबह। कुछ खाया नहीं होगा इसने से। अरे गर्मी से हुआ है मुझे लग रहा है इसको। एसी कूलिंग नहीं कर रहा तुम्हारा? गैस खत्म हो गई शायद। कूलिंग नहीं, पंखा चला के छोड़ देते हैं चक्कर में। तो पंखा से तो, अरे थोड़ी 1 घंटा तो पंखा चला के छोड़ना पड़ेगा कूलिंग का के लिए। सही बात है। अरे भैया गैस खत्म हो गया उसमें। सही बात है, बेकार है। भैया को बुलाता हूँ, गैस जलवाता हूँ, फिर बताऊंगा। इस बंदे की हालत देख रहा गाइस, एक गंदे से बाहर अभी नहाऊंगा गाइस, देखना दो मिनट में पूर का परा बन जाएगा यार, वो पहले ही क्लिप दे दे गाइस। जहाँ हमें आना था हम आ चुके हैं यार, यहाँ पे डॉगी भी है। चलो ये तो दो दो है यार। तो हाय भैया, इनके दो डॉगी हैं। ये कौन सा डॉगी है? सिज्जू। सिज्जू के लिए ना रूम फ्रेशनेस बहुत जरूरी होता है। मेरे पास भी डॉगी है ना, मेरे पास वो है तो चलो गाइस दिखाते हैं। जिगरा है, जिगरा फिर बता दिया टैटू। तुम अपने हाथ पे कुछ कारंदारी कराने वाला, पता नहीं कभी मेरा जिंदगी में नाम नहीं लिखवा सकता इंसान, नाम नहीं, क्योंकि इसको मुझसे, क्योंकि इसको मुझसे बहुत, वो क्या कहते हैं, खुंदस होती है। खुंदस क्या होती है? ये चिढ़ता है इंसान मुझसे, चिढ़ता है। अभी वो हो रही है गाइस, अभी फिक्स नहीं हुआ, अभी देख रहे हैं हम लोग। तुम सही में बनवा लोगे? हाँ, ये बन जाएगा। इसके बाद कितने दिन तक जिम नहीं जा सकते? मैक्सिमम 7 डेज। उसके बाद भी नहीं जाऊंगा मैं, 15 दिन तक बाद। मतलब जिम जा सकते हो, वर्कआउट करो, बट ये है कि इस हाथ से ना वेट नहीं उठा सकते आप। कभी कभी बुखार भी हो जाता है ना, फीवर हो जाता है टैटू बनवाते हो। इतना बड़ा ना यार, मेरे भाई ने जब पूरा कवर कराया था हाथ, तो उसको फीवर हो गया था। जैसे इधर ना भाई मेरा ना ये है एंजल वाला है, और यहाँ से ये है, तो मैं जैसे तो भाई आप लोगों को जैसे ईशा ने बोला था कि हम लोग कहीं जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे थे वो मैंने था। तो हम लोग आए हैं भाई के पास, जो कि है बहुत अच्छे टैटू आर्टिस्ट, तो ये इन्होंने डिजाइन निकाला मेरे टैटू के लिए, मतलब आम के लिए, यहाँ पे पूरा की दिखा भी दिया कि हाँ ये ऐसा ऐसे लगेगा है। तो चलो देखते हैं, टैटू बनवाने की क्या जरूरत है, फोटो खींच, फोटो खींच डाल लेना, बन गया टैटू। जो देखेगा बोल भाई इनविजिबल टैटू है मेरा। हाँ भाई, तो यहाँ पे बनने वाला है टैटू, और भाई का नाम बता दो एक बार।
विशु नाम है और ये यहीं पे रहते हैं गाइस, उत्तम नगर नियर बाय, मतलब खुराना क्लिनिक के पास है इनका। और ये होम मतलब क्या बोलते हैं, इनके घर मतलब के अंदर ही, बाहर जाके टैटू नहीं बनवा सकते ना, घर में भी टैटू बनवा सकते। मतलब तुम अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल कर सकते हो कि तुम्हें कहाँ बुलाना है, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुम्हारे घर पे भी आ जाएंगे या फिर तुम इसके घर पे आ सकते हो भैया के। और इनके इंस्टाग्राम आईडी वगैरह मैं डाल दूंगा, देख लेना गाइस। तब तक हम लोग अभी थोड़ा प्रिपेयर करते हैं, फिर आगे का सीन दिखाता हूँ आप लोगों को। फाइनल हो गया है हमारा, ये डन कर दिया इन्होंने, क्या बोलते हैं इसको, क्या किया है, स्टेंसिल किया इन्होंने, देख ले इसको, मोड़ियो मत। तो भाई इनका नीडल्स वगैरह सब कुछ एकदम प्रॉपर, एकदम एक्सपायरी डेट के साथ इन्होंने दिखा दिया मेरे को। सेफ्टी इज फर्स्ट गाइस, और जो कि इन्होंने दिखा दिया है, और ये भी फाइनल हो गया, अभी जब बन जाएगा फिर दिखाएंगे आगे का। अभी सामान वगैरह निकाल रहे हैं बैग से, और ये चेक कर रही है कि इसको कौन सा बनवाना है। कुछ भी बनवा लेगी क्या? इतना भी कुछ भी बनवाऊंगी नहीं, यार मीनिंगफुल चीजें बनवाई हो भैया, ये बोलते हैं कि मीनिंगफुल होना चाहिए। और भैया आप इंक का बता दो, आपका इंक कौन सा डाल रहे हो? ये देखो भाई बढ़िया, ये भाई बेस्ट है ये, क्योंकि हमारी जो स्किन होती है ना, हाँ, थोड़ी टाउन है, हाँ, सो वाइट स्किन पे तो बेस्ट है ये, बेस्ट है। ट्रिपल ब्लैक हो जाता है वो हमेशा लाइट होता है, तो ये तो जैसे मेरे हैंड के अकॉर्डिंग ठीक है, ये बेस्ट है, बेस्ट है भाई। ये ज्यादा ना मतलब एक जो पूरी डार्कनेस होती है ना, जो ट्रिपल ब्लैक होती है, वो अच्छे तरीके से स्किन पर वर्क नहीं करती, वो आर्टिस्ट के ऊपर होता है, आर्टिस्ट के ऊपर। मेरे हाथ में ये इंक बैठी हुई तो मेरे को यही बेस्ट लगती है। चलो भाई सब कुछ सबके सामने होता है कि हाँ भाई कुछ भी लोचा नहीं है, सब कुछ तुम्हारे सामने होगा, है ना? चलो ठीक है। टैटू का जो बनने वाला था स्टार्ट हो चुका है, बाल बाल साफ करती है, ये अभी बाल उतर रहे हैं, ये अब उतरेंगे नहीं, अभी वो क्लीनिंग हो रही है, रेजर मारेंगे ना शायद, बाल तो नहीं रेजर मारेंगे ही, कहाँ नहीं, थोड़े बहुत जो है ना सब हटाते हैं। हाँ तो भाई रेडी हो, प्रोफेशनल बंदा आ गया हमारा, बोलू शूट होगा अब यहाँ पे, मतलब सारी तैयारी होगी टैटू बनने की, अभी टैटू बनवाएगा और अब इसको होगा दर्द, है ना? नहीं होगा, पता नहीं अलग कैसे बनवा देगा, इतना बड़ा टैटू है, क्योंकि तुम पत्थर दिल इंसान हो ना इसलिए। अब इससे क्या लेना देना, पत्थर दिल वाला, ये क्या बात है, पत्थर क्या कहते हैं इसको, पत्थर इंसान। तो भाई ये सेट वेट कर लेता फिर दिखाता है। तो गाइस ये अब हो रहा वीडियो शूट, फाइनली इसका टैटू बनने वाला है, और ये देखो इसका टैटू अब छप रहा है, छप रहा क्या कहते हैं इसको, कुछ कहते हैं बट छप रहा है हमारे लिए। ये देखो यहाँ पर वीडियो हो रही है शूट, दिखाती हूँ बाद। तो गाइस इसका टैटू छप गया, मैं दिखाती हूँ अभी, अबे बन गया टैटू बहुत है, चलो अब घर, बन गया, बन तो गया ठीक है, इतना टैटू बहुत है यार, क्या करोगे, दिखाओ तो सही। ये थोड़ा सा ऊपर आ गया मुझे लग रहा है, अंदर रखना नॉर्मल, जो अंदर की साइड करके देखोगे ना तो गाइस पता नहीं प्रॉपर है यार, कब कितना टाइम, कितना कह रहे थोड़ा मतलब अंदर की साइड ज्यादा लगा। और ये देखो यहां पे छोटी छोटी क्यूटी है, हां क्यूटी, ज्यादा अंदर नहीं आया, हां क्यूटी, एक सेकंड गाइस, ये दोनों ना सिस्टर है, क्यूट क्यूट दोनों, एक का नाम कीकी है, एक का नाम किट्टू है, अब पता नहीं कीकी किट्टू कौन से दोनों में से, बट ये क्यूट है बहुत, ये एक शायद कीकी है, ये हेलो हाय क्यूट है ना गाइस, तो हेलो नो र र र ओ चाट लिया रे, चाट लिया, ये दोनों आ गए मेरे पास, क्यूट है दोनों बहुत। चल रही है टैटू वाली इंक जिससे बनता है, कितनी छोटी सी लग रही है यार, हाँ बेटे मौज आ रही है, मोनू लैपटॉप लेके आ जाना ठीक है, हाँ ब्लॉग डालना है, लेके आना, हाँ लेके आना, फिर खाना खा लिया, स्टार्ट अभी, पता नहीं इसके टैटू में कितने घंटे लगने वाले हैं अभी।
एक्साइटमेंट हो रही है बहुत ज्यादा कि कैसा लगेगा बन के। क्या एक्साइटमेंट यार, इतने टैटू है तो सही। मेरे को पता 8 टैटू है गाइस, एक ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 का अंदर भी तो है 9। अरे वो इसी गिन लिया मैं, वो पूरा एक एक ही टैटू आता। और गाइस मेरे 0 टैटू है। आज एक बनवा लेगी। अरे क्यों भी अभी सोचा नहीं है ठीक से, बनवाऊंगी तो देखती हूं। अभी 4 घंटे हैं, 4 घंटे में अगर मेरा दिमाग किया तो बनवाऊंगी। तो ये मैं हो रहा है स्टार्ट। भूख भी लग गई। पूरे नूडल्स खत्म हो गए। बनी रहा है अभी तो भैया, पूरी सुई अंदर ना घुसेड़ दो एक बार। ओए पागल है क्या? 2-3 बार घुसेड़ के निकाल लो। हंस रही है बेटा। तो मेरे कौन से टैटू मुंडा जो मैं रहूंगी, तेरा भी बनेगा टेंशन मत ले। ये गाइस आंख अभी ऐसे बननी है ये वाली, यहाँ हटा दे, चला हटा दे, बहुत हो गया। नहीं नहीं नहीं, ये तो दिखाऊंगी मैं। और रो, और जोर जोर से। संग नहीं कोई तेरा कोई पर्दा, देखो जिंदगी में करूं जो भी दिल करदा, हत्था से बलवान ते मंगाए हुंदे ने, जिथे आए हुंदे ने यार छाए हुंदे ने, छोटी सोच वाले लोग कर खांदे ने वजा, मित्रा दा कम बस मौजा लैंदा, मैं तगड़ा से रब्बी खादी। तो भाई फाइनली टैटू कंप्लीट हो गया, बहुत रोने धोने के बाद कैसे भी करके। और ये टैटू, ये अभी इसके साथ मतलब प्रोटेक्टेड है, एक घंटे बाद खोल के दिखा दूंगा आप लोगों को। एंड इसके ऊपर अगले दिन अप्लाई करना होता है हमें, आज कुछ नहीं करना, इसको जैसा है वैसे ही रहने के लिए बोला है भैया ने। और कैसा लगा ये काम करके? कर लेकिन किसी किसी का होता है ना कि मजा आया। अच्छा तुझे कैसा लग रहा है? बढ़िया भाई, इसको टैटू बनवाना था खुद का, मेरा दर्द देख के इसने टैटू नहीं बनवाया फिर है। तो भाई अगर आप लोगों को भी टैटू वगैरह बनवाना है तो भाई का इंस्टाग्राम और फोन नंबर दे देता हूँ, कॉल वगैरह कर लेना एंड भाई के पास आ जाना, और रीजनेबल प्राइस और बेस्ट काम करके देते हैं भाई, ठीक है? तो फटाफट जाओ भाई को कॉल करो एंड हम लोग चलते हैं यहाँ से। बाय। कैसा लग रहा है टैटू बनवा के? बहुत दर्द हो रहा है यार। इसमें क्यों दर्द है? तुम्हारे इतने सारे टैटू भी तो बन रखे हैं। ये सेंसिटिव एरिया है ना, इस चक्कर में यार ये भी तो है सेंसिटिव। ये नहीं है उतना, यहाँ ज्यादा नहीं, यहाँ ज्यादा। कोई नहीं, मोमोज खाओ ठीक हो जाओगे। अभी तो एक और टैटू बनवा रहा था, अब वो क्यों नहीं बनवाया? दो टैटू बनवाने गया था तो अभी मैं तो दो टैटू बनवाऊंगा। ओपन माइंडेड हो गया, ओपन माइंडेड करवाऊंगा, वो तो बनवाना है मुझे। वाओ कितने दिनों बाद मोमोज खा रहे हैं हम लोग, इतने दिनों बाद दोनों देख रहे हैं। इनका दूसरा भी खुल गया पता है। तो मैंने अपना फेवरेट बर्गर मंगा लिया भाई, चिकन पैटी बर्गर, और इसने मंगाया अपना फेवरेट वेज बर्गर, चिकन चीज बर्गर वेज वाला, और ये इसका फेवरेट लगून। यहाँ आते यही पीते हैं सबसे। टेस्ट आया पहले वाला? ठीक ही लग रहा, पता नहीं कुछ चेंज सा लग रहा है, मुझे चेंज लग रहा है यार भाई, लगून चेंज हो गया इसका, पता नहीं कैसे। ये तो आ रहा है टेस्ट, पहले वाला लग रहा है। सॉरी
हाँ तो भाई लोग, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो भाई टैटू वगैरह का अपडेट अगर आप लोगों को चाहिए तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा, क्योंकि अभी उतार नहीं सकता इसको, क्योंकि मैं ईशा को घर छोड़ने आया हुआ हूँ और ये जा रही है ऊपर। इसके भैया भाभी आ गए हैं। नींद आ रही? अच्छा हाँ, इसको कल जल्दी उठ के जाना भी है गाइस। चलो टिल देन बाय, लव यू, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।